गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरुआत करें आज की क्लास। ये आज की रिवीजन क्लास है, उसी क्लास के आगे जहां उस दिन मैंने रिवीजन छोड़ा था। तो आपको याद होगा उस दिन रिवीजन जहां मैंने छोड़ा था वो था एक कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल। तो अगर आपकी थोड़ी चाहत हो तो कूलॉम्स के दो और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सेगमेंट से मैं आपके लिए ले आऊं, दो न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल उसी के जस्ट आगे वाला भी कैरी करा सकूं आपके लिए। तो दो तीन न्यूमेरिकल और ले लें, और न्यूमेरिकल के बाद फिर हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे टॉपिक पर ले चलेंगे। और आज इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म करने का टारगेट बना के मैं आया हूँ, ठीक है। तो एक चैप्टर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्विक रिवीजन सेशन में हमारा ख़त्म हो जाएगा। टाइम थोड़ा एक्सेस लगेगा, जो काम हमारा 5 लेक्चर का होता था वो 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। तो शुरुआत करते हैं दो कूलॉम के बेहतरीन न्यूमेरिकल से। अब दो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, अगर आपको उस दिन का कुछ याद हो तो एनसीईआरटी में एग्जांपल 6 है शायद, ये कि 3 है, संभवतः 6 है या 5 हो सकता है। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, ये देना क्या, तुम्हारा नाम क्या है पक्का कर लेना, कौन सा है। केवल एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी है ये प्योर एनसीईआरटी है। तो प्योर एनसीईआरटी में क्वेश्चन वॉच कर ले रहा हूँ, फिर नंबर आपको बताने में आसानी होगी। वैसे अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो मैं बिल्कुल सही जाऊंगा, हाँ मेरी मेमोरी शार्प है बहुत। 6 एग्जांपल है, एग्जांपल 6 है, हाँ। किसी किताब का एग्जांपल नंबर याद रखना, सवाल याद रखना, सवाल मेमोराइज हो सकता है, उसका नंबर मेमोराइज करना सरल नहीं होता है। तो एग्जांपल 6 ही है। तो पहले मैं दोनों सवाल आपको दिखाता हूँ, जो कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में आपको दी थी। जिन बच्चों ने इसकी पहले की लेक्चर ना देखी हो वो क्विक रिवीजन के नाम से चैनल पर पड़ी हुई है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। और आज सबसे ज़रूरी काम, सभी बच्चे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, हर हाल में दे, इसलिए देंगे कल इमरजेंसी हो सकती है हमारे साथ, मैं और सर दोनों लोग कल नहीं हो सकते हैं। तो अगर इमरजेंसी होगी तो आपको मैसेज जाएगा, नहीं होगी तो टाइम से आना है, शाम को 4 बजे, 4:30 बजे कल से आपकी टाइमिंग हो गई है, शाम को 4:30, इवनिंग की 4:30 हो गई कल से आपकी टाइमिंग, करेक्ट। कल से आपको शाम को 4:30 पर पहुंचना है, ये टाइमिंग है अब आपकी रेगुलर जी, सुबह वाली है, हाँ वो लाइव अपनी जगह चलेगी। अरे लाइव को तो ख़त्म करने का टास्क है मेरे भाई, लाइव क्लास को तो ख़त्म करने का वक्त आ गया है। लोग मैराथन मैराथन करते रहे, सचान सर ने बिना मैराथन के उसको ख़त्म कर दिया, नहीं समझे, लोग मैराथन मैराथन करते रहे और अभी भी मैराथन की 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं करी है, जबकि वो 42.93 मीटर की है, 93 किलोमीटर की है। अभी 1 किलोमीटर के शायद 100 मीटर नहीं आए होंगे, लेकिन हमने बिना मैराथन करे चुपचाप अपना काम किया। और लाइव क्लास जो मैंने आज से 5 महीने पहले 5 अप्रैल को पहली लाइव दे दी थी, जब लोगों ने इलाहाबाद में लाइव के बारे में सोचा नहीं था तब मैंने लाइव क्लास स्टार्ट कर दी थी अपने, वो भी अपने प्लेटफॉर्म पर, सचान क्लासेस के एप्लीकेशन पर। तो जो बच्चे उसके साथ जुड़े रहे, जिन्होंने अच्छा किया, वो आगे तक चले गए, निश्चित तौर से आगे तक चले गए, और ख़त्म होने वाला है उनका सिलेबस, फिनिश। थोड़े और दिन का मेहमान है, ज़्यादा 15 से 20 लेक्चर, इससे ज़्यादा नहीं, उसको मैंने ज़बरदस्ती रोक रखा है वरना कब का ख़त्म कर देता। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल 6 है, शुरुआत की जाए। कूलॉम से जहाँ से मैंने उस दिन एंड किया था वहीं से आज की स्टार्टिंग है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, मैं सवाल पूरा पढ़ देता हूँ। 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए, पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है, यल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर स्थित है। मिल गया क्या? Yes, ये प्योर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपके कुमार मित्तल में भी एनसीईआरटी सेगमेंट में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगर आप कुमार मित्तल लेके बैठे हो तो आप एनसीईआरटी सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आपके पास ओरिजिनल एनसीईआरटी हो, असली वाली, तो फिर एग्जांपल 6 है। समबाहु त्रिभुज के अगर ना मिले तो शांति से बैठो, हम बिना मिले भी बता देंगे, बिना मिले भी बता देंगे, उसकी समस्या नहीं है। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.9 में दर्शाए अनुसार कैपिटल क्यू पर कितना बल लग रहा है। सुनो, हम आपको इस सवाल को बहुत सरल कर देते हैं। इस बिंदु का नाम क्यू है, यहां पर भी भाई साहिल बिंदु आवेश क्यू रखा गया, और यहां पर भी बिंदु आवेश क्यू रखा गया है।
ये सिर्फ आज की रिवीजन क्लास है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पीछे का कंटेंट नहीं पढ़ा है। तीनों भुजाएं क्या क्या हैं? यल मतलब समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। चित्र के अनुसार इसके केंद्र पर बैठा हुआ एक चार्ज कैपिटल क्यू, केंद्र पर बैठा हुआ एक चार्ज, इसके ऊपर परिणामी बल बताना है, इसके ऊपर परिणामी। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो एक बात सबको पक्की होनी चाहिए कि सभी कॉर्नर से इस क्यू की वैल्यू डिस्टेंस बराबर होगी। अगर समबाहु है तो हर एक जगह नहीं, केंद्रक पर बैठा हुआ कैपिटल क्यू चार्ज है तो समबाहु त्रिभुज होने की सूरत में सभी कॉर्नर से डिस्टेंसेस बिल्कुल बराबर होंगी। परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये साफ है कि ये सभी आवेश समान हैं। तो ये सभी समान आवेश इस कैपिटल क्यू पर अलग अलग दिशाओं में समान बल लगाएंगे। क्यों? प्लस प्लस में क्या लगेगा? मैंने पिछली क्लास में आपको बढ़िया टेक्निक बताई थी, आपको याद आता होगा। वो टेक्निक क्या थी? जिस आवेश के कारण बल पता करना होता है उसे याद आया, उसे पकड़े हैं क्या आप बढ़िया से? तो प्लस प्लस में क्या लगेगा? इसका नाम यफ वन ना दे करके मैं यफ देने वाला हूं। मैं यफ वन भी दे सकता था। इस आवेश के कारण भी इस आवेश पर एक बल लगेगा। प्लस प्लस में क्या लगाइएगा? इसका नाम मैं F2 ना देके इसका भी नाम क्या दे रहा हूँ? क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बल बिल्कुल परिमाण में बराबर है। इस आवेश के कारण भी इस पर एक बल लगेगा, प्लस प्लस में रिपल्सन लगेगा, इसका भी नाम मैं F1, F2, F3 ना देकर के क्या दे रहा हूँ? क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सभी आवेश परिमाण में बराबर बराबर हैं और दूरियाँ सभी केस में इक्वल हैं। तो यफ वन, अरे अगर थोड़ी देर के लिए तकलीफें हों तो नाम दे दो यार, मैंने रोका है क्या? लेकिन हमें दे पता ये चल गया कि तीनों के परिमाण बराबर हैं तो यफ वन यफ टू यफ थ्री कहेंगे, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये समबाहु त्रिभुज का केस है तो क्या विचार है आपका इस एंगल के बारे में? अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इस कोण के बारे में क्या विचार है जो मैंने नोटेट किया है? डेफिनेटली 120। क्यों कविता? 120 समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों कोण क्या होंगे? 120, 120, 120। पिछली लेक्चर जिन्होंने सुनी होगी, मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट वेक्टर का दिया है आपको। वो वेक्टर का कंसेप्ट आपको लाइफ टाइम यूज में आने वाला है। वो वेक्टर का कंसेप्ट याद है आपको? फिर से लिख देता हूँ। दो बराबर परिमाण के वेक्टर, ये अभी नहीं अगले दो महीने तुम्हारा साथ देगा जब तक मैग्नेट नहीं खत्म हो जाता है। दो बराबर परिमाण के वेक्टर हैं, एंगल इनके बीच 90 है। तो मैंने कुछ बताया था कितना हो जाना है इनका परिणामी? आंख बंद करके ये कंसेप्ट याद कर लीजिए, भरोसा करके, कितना हो जाएगा? और मैंने ये भी बताया था कि दो इक्वल वेक्टर हों, परिमाण में बिल्कुल बराबर हों, एंगल अगर 60 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा? देखो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका कैलकुलेशन घुटनों के बल आ जाएगा। जिस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेशन मान लेते हो वो कैलकुलेशन फिर होगा ही नहीं, घुटनों के बल आ जाएगा आपका कैलकुलेशन। और एक और सीन मैंने आपको समझाई थी और बात बताई थी कि दो बराबर परिमाण के वेक्टर हों, डिग्री 120, ये पर्टिकुलर है, बाकी इसका प्रमाण भी मैं आपको कभी भी दे सकता हूँ। तो उनका परिणामी किसके बराबर बताया था? उनमें से किसी एक के बराबर, और बिल्कुल बीचों बीच। क्या ये दोनों बराबर परिमाण के बल हैं? बताइएगा। परिमाण में बिल्कुल बराबर हैं, इनका परिणामी कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच होगा, और होगा किसके बराबर? इनमें से किसी एक के। इन दोनों का परिणामी बीचों बीच जाएगा और होगा किसके बराबर? किसी एक के बराबर। करेक्ट है? एनी कंफ्यूजन? नहीं है। तो जरा आप देखें, इन दोनों का परिणामी बीचों बीच हो गया और इनमें से किसी एक के, एक इधर परिणामी पैदा हो गया उसी का जस्ट विरोध करने के लिए एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे कहता रिजल्टेंट कितना है तो क्या बताते हैं? जो आंसर चेक करो, देखो आंसर क्या लिखा है, जीरो ये
पन्ना पलटना पड़ेगा। नहीं मिला क्या? अभी मिल गया, जीरो ही है ना, हो गया सवाल खत्म हो गया। जब तुम होश संभालोगे तब तक सवाल खत्म हो चुका होगा और न्यूमेरिकल का डर खत्म हो चुका होगा, दो चीज़ें। जब तक तुम पन्ने पलटोगे या होश संभालोगे तब तक न्यूमेरिकल खत्म हो चुका होगा, और अगर ये तरीका आप अडॉप्ट कर गए तो आपका डर खत्म हो चुका होगा जो न्यूमेरिकल के द्वारा बना दिया गया है। और फिर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। 40 नंबर का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आना है। फ़ोन को बंद करके रखा करिए क्लास में, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया करिए, क्लास में फ़ोन अलाउ नहीं है, बिल्कुल बंद कर दीजिए फ़ोन को, स्विच ऑफ कर दीजिए। जब क्लास के अंदर एंट्री किया करिए तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया करिए, बिल्कुल हाथ में फ़ोन किसी का ना दिखा करिए, ध्यान रखना। आगे बिल्कुल कंपलसरी है, किसी के हाथ में फ़ोन ऑन नहीं दिखना चाहिए, जेब में रख के लाओ, जितनी देर क्लास चले उतनी देर फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखो। यहाँ आज के बाद याद रखना, जो यहाँ अंदर एंट्री करे क्लास के अंदर आ जाए इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, लेकर आओ कोई दिक्कत नहीं है, जब तक क्लास चले फ़ोन स्विच ऑफ, क्लास के अंदर रहो क्लास के बाहर हो फ़ोन को ऑन करो, उस जितनी देर क्लास है उतनी देर फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए आपका, किसी का फ़ोन आज के बाद ना बजे और ना ही कोई बात आए उस पर। आज याद रखना 70 में से 40 नंबर का तो न्यूमेरिकल बनना है। ज़रा आप 40 नंबर को 70 से परसेंटेज निकाल के देख लो कितने परसेंट का मामला है, करीब करीब 60 से 65%, 60 से 65%। तो इतना तो न्यूमेरिकल आपको फेस करना है। अगर मेरी बात पर बिलीव नहीं आता है तो आप ओरिजिनल पेपर उठा के देख लीजिए ना, हमने कब रोका है, जितने पेपर कहो आप रैंडम पेपर उठा लो, पिछले साल 7 पेपर हुए 2020 में, 2019 का उठा लो, 18 उठा लो, 17 उठा लो, और रैंडम कोई पेपर सेट उठा लो, उसमें 40 नंबर का न्यूमेरिकल होता। जब दो पेपर होते थे तो कॉम्बिनेशन कभी कभी होता 20-20 का आता था दोनों में, कभी 22-18 करता था, कभी 25-15 करता था, कभी 15-25 करता था, ऐसे कॉम्बिनेशन होता था, लेकिन 40 नंबर का न्यूमेरिकल हमारे यूपी बोर्ड की परंपरा है। और न्यूमेरिकल से पार पाना है तो न्यूमेरिकल लगाने में इंटरेस्ट पैदा करना होगा आपको, न्यूमेरिकल का डर खत्म करना होगा आपको। देखिए मैथ्स कभी कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिर से मैं कहता हूँ, आपको उंगलियों पर चलाना सिखा दूंगा, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है जो बच्चा अपने दिल में से एक्सेप्ट करता है, दिल में डालता है। देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो दिमाग से नहीं पढ़ा जाता है, दिल से पढ़ी जाएगी। हाँ दिल लगाओगे तो ये समझ आएगी, ऐसे दिमाग कहीं और है, बैठे यहाँ फिजिकल प्रेजेंस हो, बीच बीच में फ़ोन बज रहा है, बार बार फ़ोन खोल रहे हो, क्या तरीका है? ये तरीका है आपका पढ़ाई का? आगे फ़ोन रखा है, क्लास कोचिंग आए फ़ोन ऐसे रखें, फ़ोन नीचे रखें। अगर ये करना है तो यहाँ मत आओ, तुम्हारे लिए गलत जगह है, तुम्हारे लिए गलत जगह है, बिना मतलब बेइज्जत हो जाओगे, फिर कहोगे कि सचान सर ने बेइज्जत करके मुझे निकाल दिया। पहले बता दे रहा हूँ, आप पता चला कल को तुम्हें फिर अच्छा ना लगे, फीस जमा कर दो फिर बाद में बेइज्जत हो जाओ, इससे पहले बता दे रहा हूँ कि इस तरह की हरकतें अगर कहीं करते रहे हो तो अभी फिलहाल बंद कर देना, या मेरी आंखों के सामने रहना 2.5-3 घंटे तो ये हरकतें मत करना, नहीं मैं कंटाप भी खींच के मार देता हूँ लड़का हो या लड़की, देर नहीं लगती बिना इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये मेरा उसूल है। और ये कल का था, 20 साल पहले का था, और आज भी मौजूद है, जब तक जीऊँगा जब तक ये काम करूँगा मेरी सांस चलेगी मैं ये उसूल जिंदा रखूँगा, क्योंकि तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि मैं तुम्हें खींच के कंटाप ना मार सकूँ, तुम्हारे लिए तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो। हाँ अगर सिर्फ तुम्हारा पैसा लेने का मेरा विचार होता, दूसरा तरीका है, तुमसे कहता बेटा पैसा जमा कर दो जाओ, हम मम्मी से कह देंगे बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, एक तरीका ये भी है। चलो ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो बराबर परिमाण के बल से 120 का एंगल था, परिणामी ऊपर चला गया, इस क्वेश्चन ने खत्म कर दिया, परिणामी शून्य हो गया क्या? तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे जिनको तुमने सवाल मान लिया है वो सवाल है ही नहीं है, वो तो बस यूं ही खत्म हो जाने की चीज है। आगे एक और बढ़िया सवाल इसी के जस्ट आगे, एग्जाम्पल 7 6 था वो 7 जब आप क्लास में डिसिप्लिन रखना सीख लेंगे ना तो बहुत आगे तक जाएंगे, मैनर सीख लेंगे तो आपकी पढ़ाई का वापस पूरा मूल्य मिल जाएगा। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एक डिसिप्लिन
और एक मैनर और एक संस्कार, ये आपके पास हैं तो आप कम पढ़ के भी बहुत आगे चले जाएंगे, और आप बेहद बदतमीज हैं और बहुत होशियार हैं तो दुनिया आपको कदर नहीं करेगी, किक मार के इधर से उधर फंकाएगी। देख के लिख लो, लिख के रख लो आज, बहुत होशियार हो, बहुत ब्रिलियंट हो और तुम बदतमीज हो निहायत, हमेशा नशे में रहते हो, तुम्हारी दुनिया कदर नहीं करेगी, किक मारेगी, इधर से उधर किक किए जाओगे। और थोड़ा कम होशियार हो, तुम्हें विनम्रता है, तुम्हें सभ्यता है, संस्कार सीखे हैं, उठने बोलने बैठने की तमीज सीखी है, बहुत आगे तक जाओगे। मुझसे आज लिखवा के ले लो, दोनों चीज़ें लिख के देने को तैयार हूँ। और पढ़ लिख करके केवल मनुष्य, केवल पढ़ाई लिखाई किताबों से हो गई तो क्या मतलब है? मैंने इस त्रिभुज की भुजा को ए ले लिया, कहो तो एल ले लूँ आपके एनसीईआरटी का, एल ले लूँ, लो एल ले लेता हूँ। फिर से एक समबाहु त्रिभुज है, फिर से एक बोला, प्रत्येक कोने पर यहाँ माइनस क्यू बैठा है आज, यहाँ पर, यहाँ पर जो कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में दी थी, जो सवाल तुम्हें बताया था, उसके टक्कर का पूरी पृथ्वी पर कोई दूसरा सवाल नहीं बनाया गया है। ये तो सब चुट्टू बुट्टू हैं, ऐसे देखते देखते इनके सॉल्यूशन निकाल दो। बोला प्रत्येक कोने पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, तो इस कोने पर ये आवेश रखा है कितना, तो देखेंगे इस माइनस क्यू के ऊपर कौन कौन बल लगा रहा है, कौन 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 लगा रहा है, एक ये लगा रहा है, ये कैसा है, क्या करेगा इसको, अब डायरेक्शन निकालने का कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता है। इस निगेटिव को ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, मैं आपसे पूछूंगा कितना लगेगा वो बल, तो आप बोल देना एफ वन लगेगा, क्या नाम दे देना, और वैल्यू में 1/4π ε0 को के कह देता हूँ, हाँ लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो के लिख दिया। Q1 Q2 मैंने कहा चार्ज का साइन यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, अच्छी फील दे रहा है। इसी आवेश के ऊपर कोई और बल भी तो लगेगा, कौन लगेगा, ये पॉजिटिव वाला, इसको क्या करेगा, अगेन खींचेगा, क्या नाम दे रहे हो, वैल्यू बोलो, आंखें खोलो, दोनों के परिमाण बिल्कुल बराबर हैं, मामला समबाहु त्रिभुज का है, इनकार तो नहीं करते हो, सचान सर का वो दिया हुआ मंत्र आप यहीं लगा दीजिए, फिर से पास हो जाएंगे। एनसीईआरटी के सवाल जो भौकाल बना के रखे गए उनको जमीन पर धूल चटा दूंगा, एवरी वन क्वेश्चन को, उससे भौकाल है, सवाल नहीं है, तुम उसके भौकाल में उलझते हो। भाई विद्वान लोग हैं, भौकाल तो बनाएंगे ना, तो विद्वानों को भी एक आईना दिखा देना चाहता हूँ मैं, हालांकि बहुत सम्मानित लोग हैं, मैं वहाँ तक पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उन विद्वानों को अपना आईना एक बार दोबारा देखने को मजबूर होना पड़े। आप खुद इनको धूल चटा दी, बताओ एंगल कितना है, फोर्स कितना होगा, इसी में √3 कर दें। बोलेगा यार कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हो, ये वाली पढ़ाई कहाँ होती है, बोले सचान सर के पास, इसका नाम ए था क्या, तो FIT A, रिजल्टेंट का नाम क्या दे दें, हाँ बिंदु ए पर लगने वाला, नोटिफिकेशन हो गया ना कि ए पर लगने वाला बल, और ये दोनों बल बराबर थे परिमाण में, तो के को वापस इज्जत से रखिए, कितना के का नाम कितना है, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए, और इसका कितने गुना कर दें, किसी से परमिशन तो नहीं करवानी है आपको, एक सवाल का जवाब आ गया, इसमें तीन प्रश्न पूछे गए। कोने बी पर भी परिणामी बल चाहिए, कोने बी पर भी, तो पहले आंखें खोलो और देखो, उस चेतना में आओ जिसकी जरूरत है आपको, इस आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा और किधर को लगाएगा, किधर बहुत जरूरी है, कौन कौन तेल लेने गए, किधर बहुत जरूरी है, तो इस आवेश के ऊपर एक बल ये लगाएगा, तो इसके कारण इस पर किधर को लगेगा बल, प्लस प्लस है, बहुत स्टैंडर्ड टेक्निक मैंने बताई, जिसके कारण बल पता करना, उसको पकड़े पकड़े हैं आप, रिपल्सन के अलावा रास्ता नहीं है इसके पास, फिर इसका नाम क्या दे दें, वैल्यू बोलू, ये कैसा है, इसको क्या करेगा, डायरेक्शन समझ में आती है, अगर आपको कूलॉम्स लगाना है तो डायरेक्शन समझना है, और डायरेक्शन समझना आ गया तो तुम्हारा काम हो गया। फोर्स की वैल्यू अगेन वही है, क्या F1 F2 के परिमाण बिल्कुल बराबर हैं, अब इस एंगल के बारे में क्या राय है,
170। अच्छा 120, 120 कैसे हो गया? इधर वाला 60 है। अब क्या फिर से वो मेरा कंसेप्ट काम करेगा आपके लिए? बराबर परिमाण के बल 120 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट कितना? 10^1 आप दें। तो इनका परिणामी बिल्कुल बीचों बीच होगा। इसका नाम हम FB दे देंगे अब की बार। क्या दे देंगे? वो वैल्यू क्या लिख देंगे? किसी एक के बराबर। गलत बात तो ना करी मैंने? इस पर भी चाहिए था, इसका नाम C है। चेक करें कौन कौन लगा रहा है और किधर को लगा रहा है। कैसा है ये? कैसा है ये? इसकी वजह से इस पर लगेगा क्या? किधर को लगेगा? क्या नाम दे रहे हैं? कितनी वैल्यू ला रहे हैं? इसी के ऊपर एक बल और लगेगा क्या? किधर को? कितना बोलो? उतना ही। इतना खूबसूरत सब्जेक्ट जो आपका हर पल एंटरटेनमेंट कर सकता है, लेकिन थोड़ा हौसला चाहिए। ऐसे मुर्दे बन करके न्यूमेरिकल नहीं लगाए जाते हैं। दूसरी चीज, आप जो 11th में करते हो उसका परिणाम तो भुगतना होगा ना आपको। जो आपने 11th में किया उसका परिणाम तो देखो भुगतना पड़ेगा। तभी तो कहा जाता है शास्त्रों में लिखा है यार मेरे, इंसान अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम यही धरती पर भुगतता है। ऊपर स्वर्ग और नरक का कहीं कुछ नहीं है, यही स्वर्ग और यही नरक है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल यहीं भोग के जाओगे, और खराब कर्म करोगे तो यही नरक भी है ऊपर। अच्छा कहाँ बना है? कोई बना है? कोई देखा है यहाँ तक कहीं स्वर्ग और नरक बनाओ? कहीं नहीं बना ना, सब यहीं है और सब आपके कर्मों का परिणाम है। अच्छा करोगे तो यहीं स्वर्ग देखोगे, और खराब करोगे तो यहीं नरक देखोगे। बोलो परिणामी लिख दूँ मैं सब? हाँ, फिर से बराबर हो गए परिमाण में। डिग्रियाँ तो फिर 120 हो गई है। वन आप दिन करके छोड़ दूँ? जब के देख लो अपने एक्सपर्ट्स की राय। देखिए 1-1.5 पेज में दी होगी, एक्सपर्ट्स की राय जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा इसे। अच्छा एक ही साल्व किया बस चले गए हैं छोड़ करके, एक साल्व करके छोड़ करके चले गए हैं, है ना? हाँ थ्योरी में साल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कोलॉम्स क्लियर हो रहा होगा। चलो अब ये रिवीजन क्लास है, तो बेसिकली मैंने इसमें थ्योरी पर थोड़ा फोकस किया है आपके लिए, और बाकी अभी बिल्कुल अगर आप फरवरी तक हमारा साथ देंगे पूरा एंड, क्योंकि अब की बात देखो पहले होता क्या था कि मैं हर साल हमेशा मार्च में बैच शुरू करके जून में ख़त्म कर देता था। जी हाँ, प्लानिंग तो यही थी, करते भी हो भी गया होता अब तक। फिर इसके बाद एक अटेम्प्ट जुलाई शुरू करके अक्टूबर फिनिश करता था, अब तो अक्टूबर में शुरू ही हो रहा है, और फिर एक बार और अक्टूबर शुरू करके दिसंबर में 25 या 24 दिसंबर को मैं अपने 12 के बच्चों को कभी छोड़ देता था। ये बात बिल्कुल सत्य, और पिछले 10 साल से मैं काम लगातार दोहरा रहा हूँ। यानी आपको एक ही सेशन में 3 अटेम्प्ट कंप्लीट सिलेबस पढ़ा करके आपको सबसे पहले छोड़ देता था। जब लोग सिलेबस पूरा करने की माथापच्ची कर रहे होते थे तो हम 3 बार पढ़ा चुके होते थे, लेकिन अब इस साल फिलहाल तो कम से कम 6 महीने तो बंद ही होगी। तो अब शुरुआत होगी 15 तारीख को, नहीं होगी? तो आप बस 100 दिन गिनती के रख लीजिए, गिन करके 100 डेज। जिस दिन से आपने स्टार्ट मान लेना उस दिन से 100 दिन गिन लीजिए, 100 दिन आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। जो भी वक्त बचेगा उसमें आपका रिवीजन करा दूंगा, जो भी वक्त बचेगा उसमें आपका प्रॉपर रिवीजन आएगा, ठीक है ना? और ध्यान रखें कोचिंग ओपन होने के बाद कोई दोस्त छूटना नहीं चाहिए, जो भी यथासंभव बच्चे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इस ऑनलाइन एजुकेशन ने 2 चीज़ें भ्रम पैदा कर दी हैं, सत्य बात है। और देखिए कोई अच्छी दे भी रहा था तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैंने कंसीडर किया कि मैंने बहुत अच्छा दिया है उसे, और जो पढ़ रहे हैं उसके अच्छे होने का प्रमाण भी दे रहे हैं कि अब तक कंप्लीट प्रिपरेशन करा चुका हूं। लेकिन समस्या केवल उनकी नहीं थी, समस्या केवल मेरी नहीं थी कि मैंने बहुत अच्छा दिया, समस्या आपकी बहुत गंभीर थी। किसी बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, किसी के पास पुराना फ़ोन था चलते चलते ख़राब हो गया,
दूसरी चीज़, किसी के पास नया फ़ोन लेने की हैसियत नहीं है, नौकरियां चली गई हैं, काम बंद हो गया है, कहां से लाए आदमी 12-15 हज़ार रुपये इकट्ठा करने के लिए, उससे कम का कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। फ़ोन ख़राब हो गया तो नया फ़ोन ख़रीदने की हैसियत नहीं है, फ़ोन ले रखा है तो पता चला नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है, घुमाइन रहा है, पता चला लाइव क्लास शुरू हुई, लगा घूमने तो क्लास ख़त्म हो गई, वो घूमता ही रहा। तो समस्याएं वो नहीं है, समस्या देश में है। भाई सरकार को क्या है, मुँह से बोलना है, कह दिया जाओ एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, साला पूछो जो पढ़ रहा है उससे कैसे पढ़ रहा है वो। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन का मैटर है, कितनी देर बच्चा फ़ोन पे बैठे, बोले कोचिंग भी चल रही है, स्कूल भी चल रहा है, दिन भर फ़ोन लिए के बैठा है, वो क्या करे। और फिर फ़ोन पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी देर का, यहाँ सामने बैठे हो तो जूता लात सुना रहा हूँ तब थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बनवा पा रहा हूँ, वहाँ कौन है देखने वाला, आप अपने कमरे में हैं, कुछ लेटे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ ज़बरदस्ती का बैठे हैं, तो कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ा नहीं इसलिए। हाँ, ऑनलाइन क्लास उन बच्चों ने लाभ उठाए जो रियली सिंसियर थे, उस तरीके के बच्चे थे जिन्हें पढ़ना आता था, तो उनमें सिंसियरिटी थी, तो उनको खोज खोज के कैसे भी करके उन्होंने अपनी सिंसियरिटी निभाई तो उन्होंने पढ़ लिया। तब की शुरुआत में मैंने जान लिया था इसका अंजाम क्या होगा, मतलब वो ऑनलाइन क्लास गधों के लिए नहीं बनी थी। सत्य बात ये, जो तेज़ दौड़ने वाले घोड़े थे घोड़ों के लिए भी नहीं बनी थी, जो तेज़ दौड़ने वाले अरबी घोड़े थे जो रेस जीतने वाले थे उनके लिए बनी थी, क्योंकि उनमें बहुत प्री सिंसियरिटी थी कि ये काम मुझे ख़त्म करना है, ये उनके लिए बना था, और जिन्होंने निरंतरता निभाई ये उनके लिए बना था। दोनों न्यूमेरिकल पूरे हो गए, किसी और न्यूमेरिकल की भी चाहत है, अभी तो कूलॉम्स में न्यूमेरिकल बहुत है, किताब की किताब है, और सारे न्यूमेरिकल्स मैंने लाइव क्लास में लगा रखे हैं, जो आपकी लाइव क्लास हो चुकी हैं उनमें मैंने एक एक सवाल लगाया है। ये तो सिर्फ रिवीजन क्लास है, तो आपको सामने बैठ के दे दो, अगर आपको सारे न्यूमेरिकल वॉच आउट करने हैं सबका एप्लीकेशन में एक्टिवेट कर दूंगा, जाके लाइव क्लास सेक्शन में जाइएगा, इस कूलॉम्स ला का एक एक न्यूमेरिकल मैंने एग्जांपल एक्सरसाइज सब लगाया है। 5 डे चलता है यार कूलॉम्स, 5 दिन, ये तो दूसरा ही दिन है। तो चलिए मैं आपको जानकारी, ताकि आपके गॉस थ्योरम ना रुके, आपका कैपेसिटर ना रुके, मैं सफ़र को हमेशा आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन आपका पीछे से बैकअप भी मेंटेन करूँगा, ठीक है। और एक बार रिवीजन भी होगा, बिल्कुल शुरुआत से प्रॉपर वैसे भी पढ़ाऊँगा जैसे चलती आई है क्लास, ठीक है ना। वो तो जब तक रिवीजन नहीं होता साइंस के सब्जेक्ट कभी पकड़ में नहीं आते, सब तो यही है। हाँ नहीं ना, चालू करो, पसीना बहाना मुझे अच्छा लगता है। मेरा मानना है कुदरत हर चीज़ का बैलेंस देती है, अगर दिन में पसीना बहाऊंगा तो रात को एसी में सोऊंगा, हिसाब बराबर होना चाहिए ना, कुदरत बैलेंस करती है भाई। आपके शरीर में कुछ भी डिसबैलेंस हो गया तो आप मुसीबत मोल ले लेंगे, रात को आप एसी में तभी सोइए जब आप दिन भर पसीना बहाइए, समझ गए कि नहीं। आप कार में एसी चला के तभी चलिए जब आप कम से कम 10 किलोमीटर रोज पैदल चल लीजिए, 5 किलोमीटर तो चली लीजिए, एटलीस्ट 3 तो चली लीजिए, तभी आप कार में एसी में बैठिए, नहीं तो आप बेकार हो जाएंगे। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको रूबरू कराता हूँ आज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल चल रहा था, कुछ लोग हवा खा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक यू आर अबाउट टू टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड साइड डिफाइन, हाँ जैसे मन करे। सिंपल, साहिल ने अंग्रेजी में बताया भाई, द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज, द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर अटैच्ड चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। फील भी कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, फील क्योंकि इंसानों में आती है, एक्सपीरियंस किसी को भी हो सकता है। हाँ, फीलिंग इंसानों में होती है, निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती, इसलिए फील शब्द आना यहाँ अच्छा नहीं है। आप प्रभास से पूछ लेना, बाकी सही बता देंगे, यहाँ फील को नहीं ला सकते ना हम लोग। अब चार्ज फील थोड़ी ना करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, फीलिंग इंसानों में होती है। रोबोट देखी है कि नहीं तुम लोगों ने, साला उसने फीलिंग डाल दी तो सब गड़बड़ा गया।
उसी की महबूबा का ले उड़ा सर रोबोट पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। आप समझ रहे हैं ना, मतलब अगर आगे आने वाले समय में वो आने वाले फ्यूचर की फिल्म है तो गलती इंसान ऐसी ना करे, वह अपनी चीजें खो दे। वो बहुत ताकतवर होगा, तुम ले भी नहीं पाओगे बेटा उससे। बात क्या थी, द स्पेस अराउंड एनी किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र। देखिए हमारी हिंदी अंग्रेजी बहुत सरल है दोनों, कोई समस्या नहीं है, बस शब्दों को समझना, फिजिक्स समझना है, मीडियम चाहे जो हो। अब हिंदी में क्या है, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश रखने पर। आज से सुनो इस परीक्षण आवेश के बारे में, परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, परीक्षण आवेश हमेशा, और इसे क्यू जीरो से प्रेजेंट करते हैं, ये आपकी जिंदगी में बना रहेगा अगले 4-5 दिन। परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा किससे रिप्रेजेंट होता है, तो अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस प्लस में क्या लगेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन भी लग सकता था। तो क्या बोला गया, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश रखने पर वह बल का अनुभव करता है, वह बल का, द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस है, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर परीक्षण आवेश रखने पर वह बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर इसके कारण इस पर बल लगा तो यह इसके क्षेत्र में है, बल नहीं लगा क्षेत्र से बाहर। सही बात है, तो इसकी अपनी एक लिमिट है ना कि यहाँ तक है, हर जगह तो नहीं है। जैसे अब यहाँ सुबतिया बाग में बैठे हो, वहाँ चौक में चले जाओ तो तुम्हारा वहाँ कोई एरिया नहीं है ना, 2 घंटा कोई मार देगा तो चुपचाप लेके चले जाओगे, क्यों सिंह वहाँ चौक में कोई अमां लो बेटा एक तो दो होंक दिया तो लेके चले जाओगे ना वहाँ से, वहाँ तो प्रतिवाद नहीं करोगे ना, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारा बल, तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम क्षेत्र के बाहर चले गए। लेकिन अब यहाँ कहीं सुबतिया बाग अल्लापुर में होता तो क्या करते, वहाँ का आया होता तुम यहाँ हाथ लगाता, लगाने देते क्या उसको अपने हाथ, या लगा दिया होता तो छोड़ देते क्या ऐसे, क्योंकि वो तुम्हारा क्षेत्र था। तो ये बात तो यहाँ भी लागू है, द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस है फोर्स, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश रखने पर वह क्या कहलाता है। तो क्या परिभाषाओं को याद करते हो तुम, लिख लिख के पन्ने में सवेरे उठ करके कभी करोगे क्या, जरूरत है क्या, नहीं ना। परिभाषाएं एक एक लाइन की हैं और वो बहुत छोटी छोटी हैं, उनको समझो मेमोराइज करो। हाँ, टाइम से पन्ने पलटना जरूरी, मान लो आज मैंने पढ़ा दिया, मैं जमन रहा हूँ कि अभी सबको याद हो गई होगी, लेकिन यहाँ से बाहर निकल जाओगे, फिर खा लोगे, फिर सो जाओगे, फिर दूसरे दिन हो जाएगा, फिर तब तक ये साफ हो जाएगी, ऐसा होता, क्योंकि तब तक नई चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारे ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मस्तिष्क की संरचना ऐसी होती है। तो इसका एक ही तरीका है कि पन्ने पलटिए, दिन में 10 मिनट का वक्त निकाल लीजिए, पीछे जो पन्ने में लिख चुके उसे जरूर पलट लीजिए, डेफिनेशन डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना समय लगेगा, और कई बार किसी चीज़ को पलटेंगे तो याद रहेगी। लिखोगे कि छोड़ दूँ, लिख लोगे, तो अभी ए, वीडियो बन रहा है, तुम लोग बाद में लिख लेना यार, वीडियो वॉच कर लेना, लिख भी सकते हो तो यार, खुद से हम तुमको रिटर्न डेटा दे देंगे, क्यों परेशान हो, रिटर्न कंटेंट दे देंगे हम तुमको, सबका मोबाइल नंबर मैं सेव कर लेता हूँ आज अपने फ़ोन में, व्हाट्सएप नंबर सबको दे देंगे। द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस है फोर्थ, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखने पर वह बल का अनुभव करता है। अगली हेडिंग आ रही है, काहे मिटा दिया मैंने, इसी में खेल खेल लेता ना मैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो कल चल रहा था बार बार, ई इंटेंसिटी ऑफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कल बार बार मैं ई लिख रहा था, याद है आपको क्या होती है वो? किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति। निष्पत्ति को उर्दू में अनुपात कहते हैं। तो अनुपात तो आपको समझ आता है, निष्पत्ति समझ नहीं आती है। निष्पत्ति शुद्ध हिंदी और संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी निष्पत्ति और संस्कृत में भी निष्पत्ति है, लेकिन अनुपात उर्दू का शब्द है। तो अब यहाँ अनुपात बोलना बढ़िया मज़ा नहीं देता है, तो कैसे कहता है? किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखें, अब ये डेफिनेशन कभी याद करने नहीं जाना है आपको। ई बराबर एफ अपान क्यू याद है, ई बराबर एफ अपान क्यू आपको याद रहना चाहिए। तो आपको क्या होगा, डेफिनेशन कभी भूल गई तो बन जाएगी। ई बराबर एफ अपान क्यू याद है ना, तो याद हो गया तो क्या परिभाषा बना लोगे? किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बढ़िया है, अच्छी फील दे रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला जो इस पूरे चैप्टर में आने वाला है, चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने वाला है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यही वो फार्मूला है जो इस पूरे चैप्टर को अकेले लगाने वाला है। इसमें भी कुछ सवाल लगेंगे, एफ दिया रहेगा, क्यू दिया रहेगा तो ये पूछेगा, झंडूबाम होगा, बेकार होगा। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ ये पूरे चैप्टर को लगा सकता है, हालांकि ये पहला चैप्टर ही है, दो चैप्टर नहीं है। देखो, चार्ज कूलॉम्स ला इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पहला चैप्टर है, तो चार्ज एंड कूलॉम्स ला हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यू है। अब की हेडिंग क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की। आपके पास यह एक पॉइंट चार्ज है, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। आपको इससे कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चाहत है? जगह का नाम क्या दे दूं? हाँ, पी फॉर पॉइंट। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, पहला काम क्या करिएगा? यहां पर परीक्षण करने के लिए परीक्षण आवेश आएगा, और परीक्षण आवेश नहीं रखोगे तो पता कैसे चलाएगा कि यहाँ है कि नहीं? तो टेस्ट चार्ज यहाँ ले आकर रखिए। अगर इसकी वजह से इस पर फोर्स लगे तो वैद्युत क्षेत्र में है, ना लगे तो कैसा चार्ज है? ये हमेशा कैसा होता है? तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में रिपल्सन लगेगा क्या? अब मैं आपसे पूछूं कितना लगेगा, तो आप ये भी तो बता सकते हो कितना लगेगा। अब अगर दो आवेशों के बीच में बल की बात की जाएगी तो उसके महारथी कूलॉम है, इतना ही तो लगेगा। और अभी अभी आपने कार्यक्रम बनाया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया है, एफ अपान क्यू जीरो, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की। इसीलिए तो कहता हूँ क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। आप क्रम तोड़ दोगे, विज्ञान पढ़ोगे क्या? इसलिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अगले 6 महीने आपकी रेगुलरिटी चाहिए होगी मुझे, राइट? 5 महीने बिना एक भी दिन गैप हुए किसी भी सूरत में आपको यहाँ पहुँचना ही है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हों, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन अगर कोचिंग खुली है तो आपको आना मस्त है। परीक्षण आवेश का काम था आना, परीक्षण करना, परीक्षण करके चले जाना, कभी भी आपके कैलकुलेशन में भाग नहीं लेगा। आएगा, परीक्षण करेगा, परीक्षण करके चला जाएगा, कभी आपका इंतज़ार नहीं करेगा। लेकिन इसके बिना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना तक मत करिएगा, इसका कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, केवल टेस्टिंग में रोल है। क्योंकि अगर आपने इसको यहाँ रखा नहीं तो पूरा जीवन गुजर जाएगा, आपको डायरेक्शन ही पता नहीं चलेगी। तो इसका बहुत भयानक रोल भी है, और इसका रोल कुछ भी नहीं है, नाम यथा नाम तथोगुणा, आया है, परीक्षण किया है, परीक्षण करके चला जाएगा। तो क्या आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता चल गया? और ये वो एक महान फार्मूला जो इस चैप्टर के बाकी बचे न्यूमेरिकल यानी कूलॉम्स ला के बाद जो भी आने वाला है इस चैप्टर में,
अकेले उन सारे सवालों को लगाने के लिए ये बहुत है। आगे आने वाले कुलोम सला के बाद अपनी कुमार मित्तल में 24 नंबर के बाद 25वें नंबर से जितने क्वेश्चंस लगे हैं 38 तक जाते जाते 12 से 15 क्वेश्चन, उनको अकेले ये फार्मूला लगा देगा। नोट कर लो, नोट करना चाहते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी से कर लीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें तो करते रहिए। हाँ बिल्कुल अट गया, जहाँ कहिए वहाँ चला जाऊँ, लेकिन हमारी एक सीमा है। हाँ नहीं, इसको मैंने उधर बांध रखा है तो मान लो क्लास के एंड तक चला ही जाऊँगा। हाँ इतना लंबा है कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, मतलब हमारी रेंज इसमें भी ख़त्म नहीं हुई है। मैं लाइव रहते भी आप तक पहुँच सकता हूँ, निश्चिंत रहिएगा इसको लेकर के। ज़्यादा कहीं पतला होगा तो ले लेके सब उधर गिर पड़े, सब केस डैमेज हो गई सब। 5 महीने में बेचारे चलते चलते बहुत साथ निभाया इन्होंने, पूरा सिस्टम एक बार फिर से खड़ा कर दिया। इसीलिए कहते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब, सही कहते हैं, दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं होती है, बंद पड़ी घड़ी 20 दिन में 2 बार सही समय बताती है। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है 24 घंटे में। इसे दुनिया में किसी चीज़ को निरर्थक नहीं समझना चाहिए, हर चीज़ आपके काम की है। आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पढ़ी कि नहीं? नहीं पढ़ी। किताब तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो साला, वही मोबाइल दिन भर खोलते हो। किताब तो पढ़ते हैं, मोबाइल दिन भर खोलोगे बिना चीज़ काम की चीज़ में? किताबें पढ़ा करो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, और एक उज्जवल पाटनी है उनकी एक किताब है जीत या हार रहो तैयार, जीत या हार रहो तैयार, बहुत मोटिवेट करती है। रियली इट्स अ गुड थॉट। हाँ और क्या, इंसान बन के पैदा हुए हो तो जीत या हार रहो तैयार। हटा दें क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वो एक महान फार्मूला है जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाएगा। एक लगा के दिखाऊं क्या? दो लगा के दिखाता हूं। एग्जांपल कुमार मित्तल खोल लेना, एग्जांपल 13-14 पर आ जाना। कुमार मित्तल खोलना, एग्जांपल 13-14 की ओर आना। लो नंबर वेरीफाई कर लूं, मैं नंबर वेरीफाई कर लूं, कहीं गलत तो नहीं बोला मैंने? थोड़ा आगे पीछे हो गए, 1 नंबर जिसको मैंने 14 कहा वो मेरा 15 था। नई वाली किताब में किसी में 14 भी होगा, मैं डायग्राम बनाता हूँ आप देखिएगा। देखिए एक एक पेज में लगे हुए 2 क्वेश्चन हैं, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए दोनों क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन देना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने फर्जी चीज़ नहीं पढ़ी है, फिजिक्स में इसकी क्या अहमियत थी जो अभी आपको मैंने पढ़ाया है। डेटा ले लेता हूँ आपको, अभी मैंने पढ़ाया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नई वाली किताब में एग्जांपल 15 है, पुरानी वाली किताब में 14 भी हो सकता है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 15 ये कि 14 है, तो मैंने गलत नहीं बोला था? अब हर साल नंबर बदल जाएगा तो इतना सरल नहीं है ना। एक चार्ज रखा है पॉजिटिव का 1.2 10 की पावर माइनस 8 कूलम, एक चार्ज रखा है माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 8 कूलम। यह भुजा 5 सेंटीमीटर बताई गई है क्वेश्चन में, यह भुजा भी 4 सेंटीमीटर बताई गई है क्वेश्चन में, नहीं इधर वाली 3 है, इधर वाली 4 बताई गई है। एक तीसरा पॉइंट सी बचा हुआ है, बोला जो बिंदु सी है इसके ऊपर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की। तो अभी अभी मैंने क्या सिखाया, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए पहला काम क्या कराइए, वहां पर एक टेस्ट चार्ज लाइए, क्योंकि ये इसका माई बाप है, कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ है। ये हमेशा कैसा होता है टेस्ट चार्ज, हमेशा कैसा होता है ये कैसा चार्ज है? इसकी वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, किधर को जाएगी? वो फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। ये कैसा है पकड़ लीजिए,
ये हमेशा कैसा होता है, धक्का मारेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ईवन मिलने वाला है। क्या नाम मिलने वाला है? ईवन की वैल्यू डेटा सहित कैलकुलेट कर लिए, 1/4πε q/r2, बस इतना ही तो था फार्मूला, 1/4πε0 q/r, कितना है वो q? q/r2, 3 cm बनाओगे -4, इनको उड़ा दूं क्या? वैल्यू जरा तूफानी कैलकुलेशन दे दो, 1.2 है, इसको यहाँ भेज दे, 9 × 4 = 13, 13 में 8 निकल जाएगा 5, कोई तकलीफ तो नहीं है? वैल्यू निकालने में कुछ टाइम लगेगा क्या? 10 से 15 सेकंड का मामला होता है, बस आपके हौसले पर होना चाहिए, मोरल गिरा नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन न्यूमेरिकल लगाते समय। ये कैसा चार्ज है, क्या करेगा इसको, किधर को, कितना कितना E2 वैल्यू 1/4πε0। इसकी वजह से बात कर रहा हूँ, तो इस चार्ज का साइन उठा के मत रख देना। मैंने बात की है कि कूलम्स ला लगाते समय, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते समय चार्ज का सिंबल कैलकुलेशन में उठा के नहीं रखने जाना। ये चार्ज का सिंबल सिर्फ आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये नेगेटिव था तभी तो इसने डिसाइड किया कि खींचने का काम करेगा, ये पॉजिटिव था तभी तो इसने डिसाइड किया कि धक्का मारने का काम करेगा। डिस्टेंस 4 × 10^2 काट लिया जाए, 10 × 9 से भाग दे दिया जाए, 0.9, 9 × 4 = 13 में 8 चला जाएगा 5। क्या E1 मिल गया? कितना था? क्या E2 मिल गया? कितना था? था ना? इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, बात करेंगे कितनी, अंडर रूट E1 square। अब आप अंडर रूट 2 तो नहीं कर देंगे, नहीं कर देंगे, हमेशा तो नहीं करते। वैसे ये 3, ये 4, ये 5 है, तो ये एंगल 90 होगा, ये बात पक्की है, पाइथागोरस की थ्योरम वेरीफाई हो रही है। 5 × 25 3 × 9 = 4 × 16 पाइथागोरस वेरीफाई हो रहा है, मतलब ये एंगल कितना है, है ना? और अगर ये एंगल 90 है तो फिर ये कितना होगा, मेरे वेक्टर E1 और E2 के बीच का एंगल कितना होगा, होना चाहिए। और अगर ये एंगल 90 होता तो अभी जो कुछ लोग नशे में होते तो कहो √2 मारने लग जाते, बोले सचान सर तो कहे थे एंगल 90 हो जाए तो √2 कर दिया करिए, लेकिन कब, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, इक्वल तो नहीं दिख रहा है आपको, अगर इक्वल नहीं है तो √2 तो नहीं करोगे ना, फिर क्या करोगे तब, परिणामी का सूत्र। क्लास 11th में 2 के परिणामी का सूत्र होता था, √P² + Q² + 2PQ cos θ, क्लास 11th में, या आप उसको √A² + √B² √2AB cos θ पढ़े हों, वही तो है। E1 पा गए, E2 पा गए, 90° का एंगल पा गए, परिमाण बराबर नहीं मिला तो फर्ने के साथ जाएंगे, E1 E2 cos 90, E1 E2 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हिस्सा तो 0 हो जाएगा। अब पता चला ये पाए बैठे हैं और दिन भर कैलकुलेट कर रहे हैं, बोले इसीलिए तो हमने मेरकल नहीं लगाते, लगाओगे भी नहीं कभी, अगर आपके पास राइट टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट कंसेप्ट नहीं है, शिक्षक सिखा नहीं रहा है, तो आपका न्यूमेरिकल से मन टूटना बिल्कुल सरल बात है। E1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है, दोनों में देखिए 10^5 चढ़ी हुई है, इनका होल स्क्वायर अपन 10^10 हो जाएगी, वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो वापस 10^5 बाहर निकालो ना, उसको अंदर ले ही क्यों जा रहे, पहले से बाहर बैठाओ ना। 1.2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.9 का स्क्वायर कितना होता है, इसको जोड़ने से 225 आता है, 225 15 का वर्गमूल होता है, 225 क्योंकि 2.25 होगा इसे 1.5 होगा, आंसर चेक कर लो। तो जो काम आप दिन भर में करने वाले थे वो शायद 30 से 40 सेकंड का ही था, क्या समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका पता चल गया आपको। एक और बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो, देख लो अपनी किताब में, एक पेज में लगा होगा,
लगा तो है, देख लो ना, गलत बात कर रहा हूँ क्या? लगाना चाहते हो क्या ऐसे? लगाना पड़ेगा यस सर, क्या है? चाहने वाला भी यहाँ कुछ नहीं होगा, पड़ेगा। अब यहाँ चाहने वाला काम ख़त्म हो गया है, अब यहाँ मेरी मर्जी होगी। इवन अपान ई टू कर देना टेन थीटा। तुमको पता है डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर 90 डिग्री पर हो तो, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो परिणामी की दिशा चाहिए होगा, तो टेन थीटा बराबर अगर निकालोगे तो ई टू अपान ई वन हो जाएगा। वो तो सिंपल है यार, 0.9 अपान 1.2 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। 10 में 3/4 37 डिग्री होता है। आगे बढ़े, एक जोरदार सवाल लगाते हैं। एग्जांपल 16 देख लेना, तुम्हारी कई पीढ़ियां तर जाएंगी एक सवाल देख करके। सुनो 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 सुनो, हलचल मत मचाओ। नजर आया क्या डायग्राम आपको? यहां पर एक प्लस 5 माइक्रो कूलॉम बैठा है, कितना? यहां कितना बैठा है? यह साइड प्रश्न में 8 बताई गई है, ये 6 बताई गई है, तो बाय डिफॉल्ट 10 हो जाएगी अगर ये एंगल 90 बना है तो। इस कोण का किसी को आइडिया तो नहीं हो रहा है कि 60 हो रहा हो, 30 हो रहा हो, ऐसा कुछ कहीं दिखाई दे रहा हो? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? हाँ, कुछ लोग कहने लगते हैं, गुरु जी ये वाला 90 है, ये वाला 60 हो जाएगा, ये वाला 30 बचेगा। आकाशवाणी तो नहीं हो रही तुम्हें? ये 60 तभी होगा जब इसका और इसका रेशियो 1/2 का होगा। कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस होता है। अगर आधार बटे कर्ण का अनुपात 1/2 का होता तो जरूर ये 60 होता, ये 60 होता तो ये 30 होता। ऐसा कुछ है तो नहीं है? कुछ तो होगा, अगर वो कुछ पता नहीं तो इस एंगल को क्या लेट कर लें? थीटा। पक्का कर लिया? एक कॉर्नर बचा हुआ है, इसका नाम पी दिया है। इसका नाम बोला, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। वैद्युत क्षेत्र की क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो इतनी देर से? जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या करेंगे? सबसे पहले परीक्षण आवेश लेकर आएंगे। नाम क्या है उसका? Q0। यहीं रखेंगे, देखेंगे उसके चारों तरफ जो जो चार्ज हैं वो डायरेक्शन क्या पैदा करेंगे। वैल्यू तो बात की बात है, वो तो 10 सेकंड में निकलेगी। डायरेक्शन बड़ा मामला है। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण पैदा करना चाहते हो? कैसी है ये, क्या कैसा होता है ये हमेशा, क्या करेगी? अगर आज आपको कॉन्फिडेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आ रही है, तो आप यकीनन बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे आने वाले समय में। इसका नाम ईवन है क्या? आज से आपके बड़े आदमी बनने की राह शुरू हो गई है। ईमानदार रहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार। जब आपकी आज यहाँ मेहनत करने की आदत होगी, 5 घंटे कुर्सी पर बैठने की आदत होगी, तो कल आप हरामखोरी नहीं सीखेंगे। और आज से करेंगे तो कल वही ना करेंगे। जो बच्चा 5 घंटे श्रम करता है वो कभी हरामखोरी नहीं करता है, और जो खा के लेटे रहते हैं उनके पास हर गुणधर्म होते हैं। पढ़ना ही नहीं, दूसरे काम तो करेगा ना, दिमाग तो कहीं चलेगा ना। हाँ, पॉजिटिव चार्ज है क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगता है? वो लेटे लेटे ख्वाब बनाते हैं कि आप कल हमारी दुनिया मेरे लात के नीचे होगी, फिर बाद में सबके लात के नीचे आ जाते हैं खुद ही। यही परम सत्य है, मानो चाहे ना मानो। 1/4π ε0 का वैल्यू हो गया। ये भैया कितना चार्ज है मालिक? माइक्रो है तो -6 करवाई दे। अपान आर स्क्वायर, कितना बढ़िया है ये पढ़ने में। 10^-4, 2 जीरो उड़ा दो तो -2 करवा दे। 9×45, 9×2=11 में 6 निकल जाए, बढ़िया है। इस आवेश के कारण भी तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा। डायरेक्शन निकालनी आ गई क्या? किधर जाएगा? खींचा जाएगा। क्या नाम दे रहे हो, क्या ला रहे हो, कितना? ये डर खत्म करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, और बाकी एक डराने वाला तरीका भी मालूम है मुझे, इसी को लंबा बना दो, डरा देता है अपने आप, मोरल गिर जाता है। छचरंग 36, 10^ हाँ हाँ काट दूँ क्या?
9 को 10 से भाग देंगे, 0.9 हो जाएगा। 9 4 13, 13 में 6 निकलेगा 7 पावर। 0.5 उड़ाऊं 6 पावर, 0.5 उड़ाऊं पावर, ध्यान रखना बराबर करने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम। E1 मिला क्या? E2 मिला क्या? E1 E2 के बीच का एंगल कितना है मुझे बताएंगे क्या? E1 और E2 दो वेक्टर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। 180 क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इनके बीच का वेरिड एंगल बाबू ये है ना। अगर आपने इसको थीटा कहा था तो ये कितना हो गया? 180। चलिए तो आप कोई करिश्मा तो नहीं होने की उम्मीद करते हैं कि रूट टू टाइम रूट थ्री टाइम या वन ऑफ देम हो जाएगा। देखो E1 E2 का परिमाण भी अलग अलग है, उनके बीच का कोई एंगल भी डिसाइड नहीं है, तो यानी अब आपके पास इनका परिणामी निकालने का कोई आसमानी मेथड नहीं है। आसमानी मेथड समझ गए ना, जो भी थोड़ी देर पहले दिए थे वो आसमानी मेथड हैं। तो अब आप क्या करोगे, इनका परिणामी निकालने जाओगे तो अंडर रूट के अंदर आओगे, क्या लिखवाओगे? अरे वही वेक्टर वाला फार्मूला लगा रहे हैं बेटा, ऐसे लिखेंगे ना, कुछ और तो नहीं कर सकते, कोई और तरीका तो नहीं बना है हमारे पास। वो जो तरीके बताए रूट टू टाइम रूट टू थ्री टाइम वाले, वो आसमानी तरीके हैं, ये डायरेक्ट है। अब देखो कुछ बरगला जाएंगे, एकदम भड़बड़ा जाएंगे इसका कैलकुलेशन देख करके, कुछ संभल जाएंगे। देखो 10 की 5 घात सब में है, तो 10 की 5 घात को एकदम बाहर कर दो। मैं चाहता हूँ कहो तो होल स्क्वायर करके बाहर करूं। अरे स्क्वायर करोगे 10 घात 10 घात, वहां भी 10 घात आएगी, बाद में लाना पड़ेगा, तो पहले ही ले आओ, क्या फायदा है बकलोई करने से। स्क्वायर करोगे 10 घातें हो जाएंगी, फिर बाद में निकालोगे उससे पहले ही निकाल लो। बचा क्या है? 45 का स्क्वायर क्या बचा है? दूसरे वाले में क्या बचेगा? तीसरे वाले में क्या बचेगा? 2 × 45 × 90। कॉस 180 माइनस थीटा, हमारी मैथ कहती माइनस का कॉस थीटा होता है, माइनस का। जब तक ये कॉस थीटा नहीं मिल जाता तब तक का आपका आंसर अटका रहेगा। अब गणित और विज्ञान के विद्यार्थी, भले आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो क्या हुआ, हैं तो विज्ञान के विद्यार्थी ना, तो अगर ये थीटा होता तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता ना, 6/10 मतलब 3/5, तो लगे हाथ इसको भी निपटा दो, कितना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 45 का वर्ग करेंगे, कुछ लोग 90 का वर्ग करेंगे, कुछ इसी में दिन भर अपना खपा देंगे और हल तब भी नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपके पास सिखाएगा कोई, शिक्षक का काम यही तो है, तो इसी काम को आप जल्दी कर सकते हैं। दिखाऊं कैसे करना है? किसी को आइडिया नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस सवाल को हल करने का इससे बेहतर आइडिया दुनिया में हो ही नहीं सकता है। दिखाऊं मैं इसको, 45 का स्क्वायर लिखा रहने दो, 90 को कर दो 45 × 2, 45 × 2 और स्क्वायर लगा है तो 45 का स्क्वायर इंटू 4, बोलो ना, माइनस 45, 90 को कर दो 45 × 2 इंटू 3/5। देखो 45 का स्क्वायर सब में आ गया, निकाल सकते हो? नहीं, तुम्हारा जीवन गुजर जाता 45 का वर्ग करते करते। मुझे तो पता है 20-25 होता है, तुम्हें नहीं पता है। 45 का वर्ग मुझे पता है 20-25 होता है, मेरे पिताजी ने, मैं 5 में पढ़ता था तो 50 तक के वर्ग याद करवा दिए थे जूता लात के दम पर। कोई ट्रिक पिक नहीं थी, याद करो सीधा, कितने ट्रिक लगाओगे। 45 का वर्ग याद है, सारे याद हैं, तुरंत आएगा। फालतू का ट्रिक लगाओ, जब तक ट्रिक लगाओगे तब तक उतनी देर में गुणा कर लोगे। तो माल चलो, तुम 45 का वर्ग लगाने में ट्रिक लगाओगे जब तक गुणा नहीं हो जाएगा। 45, 35 और 55 हाँ, फालतू कोई मतलब नहीं है, जितनी देर में ट्रिक लगाओगे उसके पहले याद है और गुणा हो जाएगा। चलो ये कितना सब बाहर निकाल लूँ, 5 घात बाहर पहले से बैठा था, सबके 45 आ गए, बाहर निकालना चाहता हूँ। अब वर्गमूल से बाहर निकलेगा, 45 का वर्ग तो नहीं होगा ना, 45 से अकेले निकलेगा, क्या बचा भैया? 1, 45 बच गया, वर्ग पूरा बाहर आ गया है, 1 बचा है,
ये वर्ग पूरा बाहर आ गया है तो चार बचा है, ये 45 पूरा बाहर आ गया है स्क्वायर, नहीं आ गया, दो दूनी चार तिहाई 12 पाँच पाँच 2.4, चक्कर तो नहीं आ रहा है, 45 का वर्ग बाहर आ गया, दो दूनी चार तिहाई 12 बटे पाँच कितना होता है, अरे 12 को 5 से भाग दो, 24 पंचे 120, 2.4, 24 का पहले नहीं आता है, नहीं आया, चार और एक पाँच में 2.4 घटेगा तो कितना, सब कुछ बेहतर चल रहा है, 45 10 की घात 5 बाहर बैठा है और ये कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट 2.6, 2.6, अब यहाँ बैठे हुए तमाम महानुभाव 2.6 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, हम तो लगता है 99% लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो 2.6 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। टेस्ट करो खुद को, चलो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, हो गया, पॉज कर दो सारे को, चलने दो, लंबा होने दो, पॉज कर देता हूँ इसको मैं, अब मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता क्या कहते हो, लगाओ निकालो 2.6 का वर्गमूल, देखिए आज कितने लोग ऐसे बैठे हैं, अब दुनिया के सामने बेटा तुम्हारा एक्सपोज हो जाएगा, अभी वीडियो भैया यूट्यूब पर जाएगा तो सारी दुनिया देख सकती है ना, अब आपकी कलाई पूरी दुनिया के सामने खुलने वाली है कि 12 में बैठे तमाम बच्चे 2.6 का वर्गमूल निकालना नहीं जानते, और मेरा विश्वास बहुत उम्दा है, मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, शायद ही कोई जानता होगा, तो कह रहा हूँ मतलब तुम्हारी हद है इसी चीज को लेकर के, नहीं कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे क्या, क्या अबे तिवारी दिन भर खराब कर दिया तुम हो बीमारी, 2.6 लिखा था, देखो 2.6 किसके करीब है, पहली बात किसके करीब है, एक ऐसी संख्या जिसके करीब है जिसका पूरा वर्गमूल तुम जानते हो, 256, अरे 2.6 कहीं लिखा है तो इतना है ना वो, तो 2.56 के करीब था तुम्हारा 2.6, तो 2.56 का वर्गमूल कितना होता है, और अगर एक थोड़ा इसको बढ़ा महसूस करते हैं उसकी तुलना में तो कितना कर सकते थे, इस 1.6 को आप इस 45 से मल्टीप्लाई करिए बहुत प्यार से, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, ये थी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, दो अच्छे न्यूमेरिकल और पूरी कंसेप्ट, अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी, आपको मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी बताने वाला हूँ, शुरू करें इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर के हम आगे वाली बात करेंगे आपके साथ, कोई जानता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बताइए भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, नया टॉपिक शुरू हो गया है, इस टॉपिक को फिनिश करके आज की क्लास खत्म कर दूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्या होता है, दो बराबर एवं विपरीत बिंदु आवेश जब कभी आपस में बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या हुआ अंग्रेजी से चक्कर आता है, हिंदी से ज्यादा सरल है, हिंदी में 36 काखा गागा होते हैं, 12 छोटऊ बड़ऊ होते हैं, 12 छोटऊ बड़ऊ की मात्रा होती है और री और ट्री और एक्स्ट्रा होते हैं जो कभी याद सामने नहीं आते हैं, कुल मिलाकर के 36 12 12, 60 तो यही हो गए, नहीं 70 हो गए, 36 12 12, 36 4 2 4 40 50 60, 60 ये हो गए, दो आइटम और री और ट्री वाले कितने हो गए, 62 हो गए, और अंग्रेजी में A to Z सिर्फ 26, कोई यात्रा मात्रा नहीं आती है, तो अंग्रेजी सरल होगी ना, आप जितनी हिंदी का कंटेंट अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखिए उसमें स्याही कम खर्चा होगी, कापी कम लगेगी,
सरलता से लिखेगी, बिना कलम उठाए लगातार लिख सकते हो। लेकिन आपको पता है हिंदी में बार बार आपको अपनी कलम को, अंग्रेजी को एक कंटिन्यूस लिख सकते हो, हाँ कर्सिव लेटर में बिना रुके लिख सकते हो, लगातार चल सकती है। एक वर्ड को लिखना है लगातार लिख लोगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या डेफिनेशन थी, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो बराबर एवं विपरीत बिंदु आवेश आपस में बहुत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसे वैद्युत। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो बराबर एवं विपरीत बिंदु आवेश आपस में कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो समझ गए क्या? चलो अगर समझ गए तो एक और इसमें छोटी सी कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस चैप्टर की एक और बड़ी खास चीज है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक हमेशा जिसकी दिशा निगेटिव चार्ज से किसर की ओर होती है, पॉजिटिव की ओर, और इसका मान किसी एक चार्ज की वैल्यू और दोनों के बीच के गुणनफल से दिया जाता है, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल से दिया जाता है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो बराबर एवं विपरीत बिंदु आवेश आपस में बहुत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार जो निकाय बनता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी एक आवेश का मान, किसी एक आवेश का और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। हालांकि जब डाइपोल होता है तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L लिखा जाता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको दूरी को 2L क्यों लिखा जाता है, काम तो L से भी चल सकता है, आपको कारण सहित बताऊंगा बाद में कि 2L ही क्यों लिखते हैं। लेकिन होता क्या, यही बहुत खतरा बन जाता है, मैं खतरा समझाता हूं आपको, जब इसका न्यूमेरिकल आता है तो बड़ा भयानक हो जाता है लोगों के बीच में। क्या करते हैं लोग, न्यूमेरिकल ऐसे आता है, कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर बैठे हैं, तो बोले इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुरुजी और प्रोटॉन का चार्ज हमको पता है, बोले इलेक्ट्रॉन पर उतना ही निगेटिव चार्ज होता है जितना प्रोटॉन पर हो गए ना, दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश, बोले इनके बीच की दूरी जो थी वो एक एंगस्ट्रॉम थी, कितनी थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। तो जो ज़्यादा होशियार लोग होते हैं वो क्यू इंटू टू एल लिखते हैं, क्यू इंटू, तो क्यू तो बोले किसी एक आवेश का मान तो लिखा ही, दुई और ले आए उनके बीच की दूरी मल्टीप्लाई करवा दिए, बोले हमारा आंसर दुगना आ रहा है, किताब से मैच नहीं हो रहा है। ए भाई साहब 2L जो थी वो दोनों के बीच की दूरी थी पूरी, जो 2L थी वो क्या थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, और आपने क्या किया, एक ठो एक्स्ट्रा दो मल्टीप्लाई करवा दिया। ऐसा मत करना, आप नहीं करोगे ना, या डाइपोल के बीच की डिस्टेंस को स्टैंडर्ड में 2L लिया जाता है, 2L क्यों लिया जाता है मैं आपको आगे आने वाले डेरिवेशन में बताऊंगा, वनली फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वनली फॉर सेक ऑफ। प्रभात सर ने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए होते हैं, उसमें एक वर्ड आता है सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सुविधा के लिए, इंग्लिश टर्म है idioms and phrases का शेक ऑफ सिंप्लिसिटी, शेक ऑफ सुविधा के लिए। तो ये 2L डिस्टेंस होती है सब सुविधा के लिए होती है, हमेशा नहीं होती। डाइपोल समझ में आ गया, डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया। अब इसको लेकर के
दो भयानक से डेरिवेशन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कहें तो आज ही करा दें और नहीं तो फिर थर्सडे तक का इंतज़ार करें, करवा दें। दो डेरिवेशन आएंगे आने वाले वक्त में, 15-20 मिनट लगेगा, और दोनों डेरिवेशन में एक डेरिवेशन हमसे आज लिखवा के ले लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में आएगा, करवा दें। हाँ, तैयार करके जाएं, कुछ ऐसा लेके जाएं जो आज कम से कम ये हो जाएगा कि परीक्षा देने बैठेंगे तो कम से कम खाली हाथ नहीं आएंगे फिजिक्स के पेपर में। कल एक रे ऑप्टिक्स का मेरा वीडियो आया है, उसको देख लेना अगर आप, तो एक 5 नंबर की तैयारी दे रहा है, 5 मार्क्स, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आया है वो। लेकिन वो रे ऑप्टिक्स की शुरुआत का वीडियो है, लाइट चल रही है वहाँ 15-20 दिन का मेहमान है सिलेबस। आगे की आज दो हेडिंग में आपको करवा दूँ, ये थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है इसे, इसको मैं हाँ कॉलर में डाल देता हूँ। कंटिन्यू करें आगे, इसकी सही जगह है। चलो थोड़ा हाथ खुल जाते हैं ना, ऐसे एक हाथ से पकड़े दो, फॉर्मेलिटी होती है। आए आगे बढ़े, दो डेरिवेशन आने वाले हैं, उन डेरिवेशन को ध्यान से समझिएगा, दिल करे तो नोट भी करिएगा, नहीं तो आपको मैं रिटर्न नोट्स दे दूंगा, तो आप उसमें कंप्लीट बढ़िया से पाएंगे। और ऐसा डेरिवेशन है जो मिनिमम 3 मार्क्स मैक्सिमम 5 मार्क्स बोर्ड 2021 में आपको दे के जाएगा। हमेशा आता है दो डेरिवेशन, दो में एक ही आएगा, अब ये नहीं कह सकता कि पहला आएगा कि दूसरा आएगा, तैयार दोनों करने पड़ेंगे 100% है। मतलब ये ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो 100% है। हेडिंग है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें फर्स्ट वाला केस है एट एक्सियल पोजीशन। अंग्रेजी से कोई बहुत समस्या तो नहीं दिखाई दे रही आपको, हम इसलिए इसको लिखा करते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ी आसान होती है, हिंदी थोड़ी गड़बड़ा जाती है मुझसे लिखने में। वैसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, पढ़ाते पढ़ाते दोनों हो गया और दोनों मेरी भाषा ख़राब हो गई है। मुझसे अंग्रेजी की स्पेलिंग गलत होती है लिखने में और हिंदी तो भयानक गलत होती है, समझ रहे हैं। जब मैं पढ़ता था तो हिंदी मीडियम में था 12th में, इसके बाद की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई, पढ़ाने का काम दोनों में करता रहा तो ना हिंदी सही रही ना अंग्रेजी सही रही, दोनों चौपट हो चुकी हैं। केवल एक ही चीज़ सही बची है, पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसलिए हमसे कम से कम बोर्ड पर लिखने को कहा करें, हम बहुत कम बोर्ड में लिखते हैं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं। बोल बहुत सकते हैं, लिखने की जिम्मेदारी आप करिए, हमसे बोर्ड में लिखाता बहुत कम अच्छा है। हाँ, लैंग्वेज एट एक्सियल पोजीशन, एट चलिए, आपके पास आज भी एक वैद्युत द्विध्रुव मौजूद है। अभी आपको वो राज खोल देता हूँ मैं, जिसकी वजह से इस द्विध्रुव की लंबाई को 2L कहा था हमने। क्या कहा था? ये केवल सुविधा के लिए है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस लंबाई को मैंने कितना कहा है? तो आपने कहा है एट एक्सियल पोजिशन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर? ये आवेश अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र में आर, वैद्युत ध्रुव के कारण आर दूरी पर जाएंगे तो इसका अक्ष सामने ही जाएगा। बोलो, सुनो, अगर किसी जगह से किसी जगह की दूरी नापनी है तो वो दूरी कहाँ से कहाँ तक, जैसे कहते हैं इलाहाबाद से बनारस कितना है? 120। कितना है? तो वो 120 कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद के स्टेशन से बनारस के स्टेशन, कैंट, इलाहाबाद जंक्शन टू सेंटर कैंट ऑफ बनारस। यानी अगर मैं सही बात करूं, मैं एकदम प्रैक्टिकल और फैक्ट बात करूं, तो दो जगहों की दूरियां हमेशा दिल से दिल तक नापी जाती हैं। सब ग्रेट फैक्ट, दूरियां हमेशा कहां से कहां तक होती हैं? दिल से दिल तक। आप हमारे बहुत नज़दीक बैठे हैं और हमारा आपका दिल नहीं मिल रहा है, तो हमारे आपके बीच में दूरियां बहुत हैं। और आप हमसे बहुत दूर बैठे हैं विदेश में और हमारा आपका दिल लगा हुआ है,
तो हम आप बिल्कुल बहुत नज़दीक हैं, सत्यता है। इसलिए हमारी फिजिक्स में बिल्कुल वही है जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा होता है। तो इसलिए जब दूरी कहीं से नापी जाती है तो दूरी कहाँ से कहाँ तक होती है तिवारी जी, कहाँ से कहाँ तक? दिल से दिल तक, सेंटर से सेंटर को मारो गोली। दूरी हमेशा कहाँ से कहाँ तक है? दिल से दिल तक। तो इस डाइपोल का दिल कहाँ है? इसके सेंटर। जहाँ चाहते हो अगर वो एक्सिस में जाओगे तो सेंटर से नापते चले जाओ, एक्सिस में चले जाओ बिंदु पी पर, ये दूरी कहाँ से आर कहाँ से कहाँ तक नापाएगी। तो अगर आपने इस डाइपोल के लेंथ को 2L कहा था तो इधर का हिस्सा L हो जाएगा और इधर का हिस्सा L हो जाएगा। अगर आपने डाइपोल के लेंथ को 2L बोला होता तो सर्वा एक पंगा फंस जाता है, L/2 L/2 लिखना पड़ता, हम बर्बाद हो जाते आगे कैलकुलेशन में जाके। तो बर्बादी ना आए उसके लिए पहले से प्री प्लानिंग है। मैंने कहा था ओनली फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, नथिंग ए मैटर, कोई और दूसरा तरीका नहीं, कोई और दूसरा वजह नहीं है। यह डिस्टेंस को 2L लेने का केवल एक वजह है कि जब आगे डेरिवेशन करोगे आप न्यूमेरिकल करोगे तो इस दूरी को सिंपलिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये कितना हो गया एल और ये कितना हो गया। आप कहाँ चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड? पी पर, एक्सिस में जाकर के सेंटर से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ क्या करोगे सबसे पहले? माई बाप है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या रखेंगे? अब आप जिन डेरिवेशन को दिन भर रट्टा मार के याद करोगे वो याद करने की चीज़ ही नहीं होते हैं वास्तव में। ये कैसा चार्ज है? ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगेगा? पहली का नाम क्या देने वाले हो? वैल्यू क्या लाने वाले हो? नहीं समझे क्या? दिल से दिल तक तो आर है, एल पीछे छूट गया है, कितना हो गया? मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पैदा होगी, किसकी वजह से? किसकी वजह से? इसकी वजह से। कितनी? किधर को? अट्रैक्शन, करेक्ट है। कितनी? कितनी? अब आप समझ गए होंगे ये मर्म, ये इसलिए समझ पा रहे हैं आप क्योंकि आपने दो न्यूमेरिकल लगा लिए थे, ना लगाए होते तो भी रोते। बढ़िया, इफेक्टिव चाहते हो क्या? अरे मालिक परिणामी चाहिए होगी आपको, इवन इटू निकाल ली मैं जानता हूँ, लेकिन परिणामी चाहिए ना। अब बताओ परिणामी निकालने के लिए इवन इटू का क्या करेंगे? माइनस करेंगे, परिणामी का सूत्र लगाएंगे या जोड़ देंगे? क्या करेंगे? परिणामी का सूत्र लगाएंगे। अबे टोपो, घटाएंगे। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन हो तो जोड़ देते हैं, अपोजिट हो तो घटा देते हैं, और किसी कोण पर हो तो परिणामी का सूत्र लगा देते हैं। परिमाण में दोनों वेक्टर बराबर हों, उनके बीच में कोण का स्पेसिफिकेशन 90, 60, 120 का हो तो सच आंसर का थॉट लगा देते हैं। राइट, दो चार बातों से हमारी फिजिक्स चलती है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बोलो E2 में इवन घटा के परिणामी बताऊं कि इवन में E2 घटाऊं? E2 में का है, E2 में इवन घटा, इवन में E2 का है? नहीं, E2 बड़ा है, इस्टो इज स्ट्रॉन्गर देन इवन। क्यों? ये आवेश इसके ज़्यादा नज़दीक है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा ना, ये ज़्यादा दूर हो गया तो कमज़ोर पैदा करेगा। इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करने वाले हैं? घटाओ, घटाते हुए बकलोलाई नहीं करनी है कि इसको छापने में लगे हैं। देखो दोनों को घटाने में कामन है ना, कि वो कामन है, निकालवाए काहे नहीं लेते हो? माइनस, कोई बैड फीलिंग आ रही है तुम्हें फिजिक्स पढ़ते हुए? ये डेरिवेशन है जिसके लिए लोग ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, डेरिवेशन तैयार नहीं होता है, बस 5 मिनट की दूरी पर है तुमसे, अभी तक कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन ये जोश और जुनून रोज़ बरकरार रहना चाहिए, ये एक दिन एक घंटे या एक पीरियड का नहीं है, निरंतरता के साथ ही संभव हो सकता है। आप सोचें कि आज पढ़ ली है, बात से बढ़िया मज़ा आ गया, आज बहुत समझ में आ गया, बात से नहीं पढ़ेंगे, अब 3-4 दिन बाद पढ़ेंगे, तो भाई तुम कहीं नहीं हो। क्या कहते हो? क्या करूँ इसका यार? LCM लें और क्या कर सकते हैं? अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? क्या दिवाली a माइनस बी, ए प्लस बी, गणित कहती है ए स्क्वायर माइनस
खोल तो लगवाई किया है इसके, अरे दोनों के लगा है, इसके नहीं लगाओगे? इसको यहाँ भेजोगे, इसको यहाँ भेजोगे तो होल स्क्वायर खोलोगे, इसको वहाँ भेजोगे तो माइनस करके होल स्क्वायर खोलोगे। थोड़ा तूफानी कर दिया, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? होल स्क्वायर भी खोल दिया, माइनस साइन को स्वा भी कर दिया, इनको काट डालो, काट दिया। ई की चाहत में आप आए हो, किसकी चाहत में? क्या है वो वैल्यू क्यू? 4RL बोलो, 4RL अपान। देखो आपने कहा था वैद्युत ध्रुव की परिभाषा में, वेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स 2L जो डिस्टेंस थी वो एक बहुत छोटी दूरी थी। बहुत छोटी दूरी को तो मैंने मीटर में कुछ ऐसे मान लिया, आप दूसरा मान लो। तो अगर ये सिर्फ L होती तो कितना हो जाता? लेकिन अगर L स्क्वायर होती भाई, इतने जीरो लगते, ज़्यादा हो गए क्या? ठीक है, 4 4 8 3 3 6 9 एकाध और लगे भाई, अब ठीक है। अब ये इतनी छोटी होगी कि घटाइन देंगे तो काँ उखाड़ लेगी, जोड़ीन देंगे तो काँ उखाड़ लेगी। अच्छा बता, आर है 2 मीटर मान लो, आर कितना है? तो 2 दूनी, अब 4 में अगर इतना किसी को घटाना है तो कौन बेवकूफ़ होगा जो घटा के वैल्यू लिखेगा? अब घटा के लिखेगा तो क्या आएगा? 3.99999999, उससे बढ़िया 4 ही लिख दो। विज्ञान विज्ञान बहुत व्यवहारिक होती है, जिंदगी में अप्लाइड होती है, फर्जी बातें नहीं होती हैं यहाँ। तो आर के रिस्पेक्ट में यल क्या है? आर इस लिख दें दुनिया के गधाओं के लिए, आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन यल स्क्वायर। 2-3 बार ये वाला चिन्ह लगा दो। मैंने कहा गणित और विज्ञान बेहद व्यवहारिक होती है, आपके जीवन में चलती है वो। देखिए केवल इतना लिखते तो ये पता चलता कि बड़ा है, लेकिन 2-3 बार लगा दिए मच मच, दोबारा मच मच ग्रेटर देन, करेक्ट है कि नहीं? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तो क्या कर ले, छोड़ दें। क्यों दीवारी छोड़ दो इसको, एल स्क्वायर को छोड़ा है, होल स्क्वायर छोड़ने को नहीं कहा है। एल स्क्वायर को छोड़ा है, होल स्क्वायर नहीं छोड़ा है। एल स्क्वायर छोड़ेंगे तो आर की 4 घात हो जाएगी क्या यहाँ? इसको काटें क्या? 3 घात बच जाएगी। पढ़े लिखे आदमी हो तो थोड़ा और कैलकुलेशन प्रोसेस करो, रुक जाओ थोड़ा धीरज रखो। जो 4 QL था उसको 2 × 2 QL कर दिया। आप समझ गए मैंने क्यों किया है? ये कुछ था, क्या था? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फी था। लीजिए आपका वो अंतिम समीकरण जिसका इंतजार आप कर रहे थे, कम से कम 3 और ज़्यादा ज़्यादा 5 पाने के लिए वो आपके सामने हाजिर है। 2P/5 क्या आप इच्छा रखते हैं इससे भी बेहतर करने? Q × 2L को P कहते ही हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया क्या? 3 स्टेप का डेरिवेशन। अब ये 3 भी दिला सकता है, 5 भी दिला सकता है, किस्मत आपकी। क्या अच्छा नहीं था? क्या छापोगे नहीं क्या? थोड़ा समय मैं इसको रोक देता हूँ, तुम इसको छापो, तब तक मैं तुमको प्रवचन सुनाते के लिए ला रहे हैं। एक्सियल खत्म हो गया, तो अब आपको को एक्सियल मतलब निरक्षीय स्थिति, नई हेडिंग है आज की आखिरी। निरक्षीय स्थिति कौन सा? यस, अच हो गया तो अब निरक्ष भी आएगा। आपको पता है आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव होता था, वैद्युत द्विध्रुव का एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा, इनके बीच की दूरी 2L ली जाती थी। आपको पता है 2L क्यों ली जाती थी? वनली फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अच्छ में जाएंगे तो यहां पहुंचाएंगे, निरक्ष कहां होता है?
इसी से 90 डिग्री ऊपर निरक्ष में जाएंगे तो वहाँ पहुँचाएंगे। बोलो भाई, कोई परेशानी तो नहीं है? बताना तो कैसा चार्ज है ये। इस जगह जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहत में आए हो, यहाँ सबसे पहले क्या रखना है आपको? पहला काम जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो वहाँ क्या रखना है? हमेशा कैसा होता है, आर डिस्टेंस इधर गए तो अच्छी कहलाया, आर ऊपर 90 डिग्री पर चढ़ गए तो निरक्षी कहलाया। आप इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो सचिन? कैसा है ये, क्या करेगा इसको? किधर ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं कि ऐसे ले जाऊं? ऐसे ही ना। क्या नाम दे रहे हो इसका, क्या वैल्यू ला रहे हो इसकी? यू नो इट इज एल, इट इज आर, देन इट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देन स्क्वायरिंग दैट रूट विल बी डिसअपीयर। है क्या? इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, वैल्यू भी मिल गई। इसी जगह पर एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कैसा है ये, क्या करेगा इसको, क्या नाम देंगे आप इसको, क्या वैल्यू होनी चाहिए इसको? डिस्टेंस सेम है, इवन ई टू की वैल्यू बिल्कुल बराबर बराबर आ गई है। किसी के मन में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि 120 का कोण है ये? भाई जब ये डिसाइड होगा कि 60-60 है तो ये 120 हो गया। तुमको तो नहीं पता है कि 60-60 है, सम द्विबाहु है लेकिन सम बाहु नहीं है ये। तो इस कोण को कुछ थीटा मनवा लीजिएगा तो फिर तो ये भी थीटा होना है, होना है। क्लास 11th की फिजिक्स का दोस्त रोल बहुत होता है। आप सबसे कहता हूँ कि छोटे भाई बहनों को मेरे पास 11th में बिना शर्त ले आके छोड़ दीजिए, बिना शर्त अपने छोटे भाई बहनों को, रिश्तेदारों को ले आके 11th में मेरे पास छोड़ दीजिए। जब वो 6 महीने बाद रेगुलर आएगा, मेरे तौर तरीके सीख लेगा तो डिफरेंस दिखेगा। क्लास 11th की ही कहानी को फिर से दोहराना पड़ता है बार बार। मुझे बहुत दुख होता है कि आप 11th की पढ़ाई को सीरियसली नहीं करते हो। क्या ये थीटा है तो इस एंगल के बारे में आपकी राय है, और ये थीटा है तो? क्लास 11th में वेक्टर का घटक तोड़ना सिखाया जाता है हमें। अगर ये वेक्टर E1 है तो इसकी दिशा में E1 cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ हो जाएगा E1 sin थीटा। फीलिंग बढ़िया आ रही है। इसका नाम E2 है तो इधर की तरफ, अबे चुप, E2 है तो इधर की तरफ E2 cos थीटा, नीचे की तरफ E2। प्रैक्टिकली पिक्चर देख लो, डेटा देख लो, E1 E2 की वैल्यू बराबर बराबर है। अगर E1 का मान यहाँ बैठाया होता, E2 का मान यहाँ बैठाया होता, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं। इक्वल अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को ख़त्म कर देता। क्या ये भी एक दूसरे को ख़त्म कर देते? नहीं करते। क्या करते? जुड़ जाते। क्यों जुड़ जाते? वो डायरेक्शन है सेम। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाते तो E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा तो बजाय एक दूसरे को खा जाते, लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों जुड़ जाते। सहमत हैं आप इससे? E1 का मान उठा लाते, E2 का मान उठा लाते, डेटा उठा के कैलकुलेट करते। 1/4πε0 cos थीटा, बढ़िया है। अरे मेरे भाई, मैंने E1 E2 के मान रखवा दिए, यहाँ रखवा दिए ले आके, cos थीटा उनके साथ लगाए, दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर बराबर है। क्या बराबर बराबर वैल्यू एक दो बार जोड़ी जाए तो दुगुना नहीं हो जाती है? बराबर बराबर वैल्यू दो बार जोड़ी जाए तो दुगुना नहीं हो जाती है? 2q cos / अरे यही दुगुना दिया भैया, ना कर दिया। अब देखो यहाँ पिक्चर में आगे cos थीटा है, क्या है,
उस पिक्चर को देख करके कॉस थीटा का मान बता सकते हो क्या? ये एल है, ये आर है, तो बसरते ये कितनी होगी? कॉस थीटा निकालोगे तो आधार बटे कर्ण पाते हो। हाँ, अंडर रूट में रखे रहना इसको भैया। अरे आधार बटे ई की वैल्यू की चाहत में आप आए हैं, जिसमें 1/4 πε0 की वैल्यू पाए हैं। क्यू इंटू 2L को कहते क्या हैं आप? एक घात और आधी घात मिलके डेढ़ घात हो जाती है क्या? कितनी घात? मैंने कहा था चार में अगर इतना आप घटा दें 0.000001 तो कुछ उखड़ जाएगा, जोड़ दें तो कुछ बना लोगे। हाँ, जागीर मिल जाएगी तुमको जोड़ने से। तो जोड़ा तो हटाया, घटाया तो हटाया, मतलब आर के रिस्पेक्ट में एल स्क्वायर को बहुत छोटा पाया, तो जोड़ने पर भी छोड़ दिया और घटाने पर भी छोड़ दिया। जरा छोड़ के देखना एक बार इसको, रहेगा क्या? पी बना है क्या? इसको छोड़ दिया है क्या? आर स्क्वायर घात की घात गुणा होती है, कितनी हो गई? 2 से 2 कैंसिल, वही आया है, बस थोड़ा अंतर आया है। उसमें 2π/r³ था, इसमें लीजिए याद का एंड था। छोटा सा काम कर लें आप सब, एक छोटी सी स्लिट में अपना नाम, अपने पापा का नाम और अपना मोबाइल नंबर हमें ज़रूर दे दें, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे दें, ताकि आपको अगर कल कोई इमरजेंसी हो तो समय से आपको मैसेज जा सके। पहला काम कर लें, एक छोटी सी पर्ची निकाल लें, उसमें अपना मोबाइल नंबर हमें लिख करके अपना अपना दे दें। आए बंद कर दो।